दीदी आज आप हम लोगों को क्या बताएंगी? आज आज हम तुम लोगों को चित्रों के माध्यम से कुछ समझाएंगे। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। अच्छा ये बताओ पहले, चित्र देखना तुम लोगों को लगता कैसा है? दीदी बहुत अच्छा। अच्छा लगता है ना? और पता है इन चित्रों में जो भी हो रहा होगा ना, वो हम तुम्हें अंग्रेजी में समझाएंगे। किसमें समझाएंगे? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जानना कितना अच्छा लगता है ना? जी दीदी। ठीक है चलो पहले हम ये चित्र देखते हैं। ठीक है ये देखो क्या है, सबको नजर आ रहा है ना? जी दीदी। चित्र आराम से। जी दीदी। मास तुमको नजर आ रहा है? जी दीदी। सिद्धार्थ? जी दीदी। ठीक है क्या क्या नजर आ रहा है इस चित्र में तुम लोगों को? ये देखो क्या है, ये बिल्ली। बिल्ली। और ये क्या है? चूहा। ये क्या रखा है बच्चों? मैं। चटाई। और ये जग। सब कुछ नजर आ रहा है ना साफ साफ? जी दीदी। अब देखो इस चित्र में हो क्या रहा है, बिल्ली भाग रही है चूहे के पीछे, जैसे कि बिल्ली हमेशा करती है। क्या करती है? चूहे के पीछे ही तो भागती है ना बिल्ली। जी दीदी। बिल्ली भाग रही है चूहे के पीछे। अब हम इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों, पता है? नहीं पता। नहीं पता? चलो हम बता देते हैं, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रन्स आफ्टर द रैट। क्या कहेंगे? रन्स आफ्टर द रैट। रन्स आफ्टर द रैट का मतलब पता है क्या होता है? चूहे के पीछे दौड़ती है। क्या होता है? चूहे के पीछे दौड़ती है। अच्छा बच्चों रन्स का मतलब होता है दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है। और आफ्टर का मतलब पीछे। क्या होता है? पीछे। अच्छा बच्चों रैट का मतलब तो तुम सबको पता होगा, क्या होता है? चूहा। चूहा। बहुत अच्छे। चलो अब हम अपना अगला देखते हैं कि क्या है। ठीक है अगले चित्र में क्या पता चल रहा है? ये देखो चूहा कहाँ भाग गया? चूहा चला गया चटाई के नीचे। चालाक था ना बहुत, कहाँ चला गया? चटाई के नीचे। अब इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Goes under the mat। मैट का मतलब होता है चटाई। क्या होता है? चटाई। चटाई के नीचे जाता है। क्या होगा? चटाई के नीचे जाता है। Goes under the mat का मतलब हुआ चटाई के नीचे जाता है। ये दिख रहा है ना चटाई के नीचे जाता हुआ चूहा? जी जी जी। है ना मजा आ रहा है? जी जी जी। चलो देखते हैं अब अपना हम अगला चित्र। जी जी। अरे अगले चित्र में क्या हो रहा है बच्चों? ये तो बल्ला लिए है हाथ में। क्या लिए है? बल्ला। खेलते हो ना तुम गेंद और बल्ला? जी दीदी। ठीक है बिल्ली लिए है बल्ला, उठा रही है। क्या कर रही है? बल्ला उठा रही है ना ऊपर। अब इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे पता है? नहीं हम बता देते हैं, इसको कहेंगे पिक्स अप द बैट। क्या कहेंगे? पिक्स अप द बैट। पिक्स अप द बैट का मतलब होता है बल्ला उठाती है। क्या होता है? बल्ला उठाती है। अच्छा अपर्णा तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि बल्ला क्या किसको कहते हैं इंग्लिश में? बैट। बैट को। बहुत अच्छे। पिक्स अप मतलब होता है उठाती है। पिक्स अप द बैट का मतलब होता है बल्ला उठाती है। ये देखो उठा रही है ना बिल्ली बल्ला। जी जी जी। नजर आ रहा है? जी जी जी। चलो तब जल्दी से हम देखते हैं कि वो अपने अगले चित्र में क्या हो रहा है। अरे ये क्या हुआ, ये देखो चूहा कहाँ भाग गया बच्चों? दिख रहा है? जी दीदी। दिख रहा है ना मां? जी दीदी। चूहा कहाँ दिख रहा है? अब जग के अंदर। ये देखो जग बना है ना, लेकिन चूहा था कहाँ पहले? चटाई के नीचे। कहाँ था? चटाई के नीचे था ना। है ना बड़ा चालाक चूहा। यहाँ से कहाँ भाग गया जल्दी से? जग के अंदर। तो जग के अंदर चूहा घुसता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Goes into the jug। क्या कहेंगे? Goes into the jug। Goes into the jug का मतलब होता है जग में घुसता है। क्या होता है? जग में घुसता है। ये देखो चूहा घर जग के अंदर घुसा हुआ है ना, दिख रहा है सबको आराम से? Goes into का मतलब होता है घुसता है। क्या होता है? घुसता है। किसमें घुस गया? जग में। बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं आगे, आगे जानना चाहोगे ना क्या हुआ? जी जी। आगे पता है? ये देखो बिल्ली क्या लेके आई थी हाथ में? बल्ला। बल्ला यानी कि बैट। क्या बताया था? बैट। बैट लेके आई थी। क्या करने लेके आई होगी बच्चों पता है?
नहीं नहीं बताओ। नहीं पता? अरे चूहे को मारने लाई थी। ये देखो, उसे तो यही लग रहा था ना कि ये इस चटाई के नीचे चूहा छुपा हुआ है। जी जी जी। चटाई को क्या बताया था अंग्रेजी में? मैट। बहुत अच्छे, सीख रहे हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा। लेकिन चूहा तो इस मैट के नीचे नहीं है ना, कहाँ भाग गया? जग में। ये देखो, लेकिन बिल्ली ने मारा कहाँ? चटाई पे। बल्ले से मारती है ना? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हिट्स विद द बैट। क्या कहेंगे? हिट्स विद द बैट। हिट्स मतलब जानते हो क्या होता है? हिट्स विद द बैट, हिट्स मतलब होता है मारती है। हिट्स मतलब क्या होता है? मारती है। और विद द बैट मतलब क्या होता है बच्चों? बल्ले से। विद द बैट मतलब बल्ले से, बल्ला मतलब बैट, और विद द बैट मतलब बल्ले से मारती है। ये देखो, बल्ले से मारा ना बिल्ली ने। जी जी। अब आगे जानना चाहते हो क्या हुआ? जी जी। बिल्ली तो बन गई क्या बेवकूफ? क्यों? क्योंकि चूहा तो वहाँ से पहले ही निकल चुका था। और कहाँ जाके छिपा है? जग में। बहुत अच्छे, ठीक है। ये देखो, चूहा छुप गया जाके जग में। हाइड्स इन द जग, क्या कहेंगे इसको? हाइड्स इन द जग। बहुत अच्छे, हाइड्स इन द जग मतलब जग में छुप जाता है। क्या कहेंगे? जग में छुप जाता है। ये देखो, हाइड्स मतलब होता है छुप जाता है। हाइड्स मतलब क्या होता है बच्चों? छुप जाता है। कहाँ छुप जाता है? जग में। दिख रहा है ना? जी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है इस चित्र में? ये देखो क्या नजर आ रहा है, बिल्ली गिरी पड़ी है, है ना? क्यों गिरी पड़ी है पता है? तो बिल्ली पहले ये बताओ, गिरी कैसे? वो तो बैट से मारने आई थी ना बल्ले से, फिसल गई और गिर गई। अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे पता है? नहीं पता। स्लिप्स एंड फॉल्स। क्या कहेंगे? स्लिप्स एंड फॉल्स। स्लिप्स एंड फॉल्स मतलब होता है फिसलती है और गिर जाती है। आया समझ में? जी। देखो, जैसे स्लिप्स मतलब होता है फिसलती है, क्या होता है स्लिप्स मतलब? फिसलती है। और फॉल्स मतलब क्या होता है बच्चों? गिर जाती है। फॉल्स मतलब क्या होता है? गिर जाती है, है ना? ये देखो, बिल्ली ने मारने आई थी ना इसको बल्ले से, लेकिन खुद ही फिसल के गिर गई, है ना? देखा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा बच्चों, अब हम अपने आखिरी चित्र पर आ गए हैं, है ना? देख रहा, मजा तो आ रहा है ना? जी। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर चूहा भी यही कर रहा है जग में से, दिख रहा है ना? जी। ये देखो, चूहा जग में से झांक रहा है और हंस रहा है। लग रही है ना इसकी लंबी सी पूंछ, दिख रही है? जी। ये देखो, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे पीप्स एंड लाफ्स। क्या कहेंगे? पीप्स एंड लाफ्स। क्या कहेंगे बच्चों? पीप्स एंड लाफ्स। पीप्स एंड लाफ्स का मतलब होता है झांकता है और हंसता है, ठीक है? झांकता है और हंसता है। देखो, पीप्स का मतलब होता है झांकता है, और लाफ्स का मतलब होता है हंसता है। आ रहा है ना समझ में? जी। ये देख रहे हो ना कैसे लिखा है पीप्स एंड लाफ्स। पीप्स एंड लाफ्स मतलब झांकता है और हंसता है। तो बच्चों, पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों को समझ में आया? जी। और लगा कैसा ये चित्र देखना? बहुत अच्छा लगा। कितना समझ में आया? पूरा समझ में आया। जी। चलो ठीक है, फिर हम कुछ पूछें तुमसे? जी। जवाब दोगे ना? जी। ठीक है, चलो ट्विंकल तुम बताओ, स्लिप्स का मतलब क्या होता है? फिसलना। बहुत अच्छे, तुम्हें तो बहुत जल्दी समझ में आ गया। अच्छा सिद्धार्थ, तुम बताओ फॉल्स का मतलब क्या होता है? गिर जाना। बहुत अच्छे। अच्छा तुम बताओ मास, पीप्स का मतलब क्या होता है? झांकना। बहुत अच्छे। अनीता तुम बताओ, स्माइल्स का मतलब, लाफ्स का मतलब क्या होता है? हंसना। बहुत अच्छे। अपर्णा तुम मुझे पूरा एक सेंटेंस बताओ, ठीक है? ये बताओ, गोज इनटू द जग, इसका क्या मतलब हुआ? जग में घुसता है। अरे बहुत अच्छा, तुम लोग को तो बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई। अब यही कहानी जाकर सुनाओगे? जी। किसको सुनाओगे? अपने दोस्तों को। लेकिन अंग्रेजी में। पक्का? जी। आ गई ना अच्छे से समझ में? जी।